नितिन गडकरी ने कहा कि विदर्भ के किसानों को अपनी उपज का बेहतर भाव मिलने के लिए गुणवत्तापूर्ण उपज प्रसंस्करण पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका विपणन होना बहुत आवश्यक है। वे कृषि और प्राकृतिक अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण व एग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा होटल सेंटर पॉइंट में आयोजित विदर्भ की उपज सब्जी भाजी की निर्यात क्षमता पर आधारित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर अपेडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगामोतू, आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे, एग्रोविजन फाउंडेशन के सलाहकार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सी डी माई, आयोजन सचिव रवि बोरटकर, रमेश मानकर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि विदर्भ के फल उत्पादन को बढ़ावा मिलना चाहिए। यहाँ पर होने वाले संतरा, मौसम्बी, नींबू, बोर, सीताफल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी डिमांड है। इन फलों को टेबल फ्रूट के रूप में राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया तो किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपीटी द्वारा वर्धा स्थित सिंधी ड्राई पोर्ट में से भी वातानुकूलित फूड कंटेनर में संतरा सीधे बांग्लादेश के बाजार में निर्यात करने के लिए भी प्रयास शुरू है। इस सुविधा के चलते संतरा परिवहन खर्च में कटौती होगी और इसका फायदा किसानों को होगा। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय संतरा व नींबू वर्गीय फल रिसर्च संस्था सीआरसीआई के साथ डॉक्टर पंजाब कृषि विद्यापीठ द्वारा पहल की जानी चाहिए। अमरावती रोड स्थित पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के 55 एकड़ जगह पर 150 करोड़ रुपए का एग्रो कन्वेक्शन सेंटर प्रस्तावित है। यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण के साथ उनके रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए अपेडा के साथ पंजाब राव कृषि विद्यापीठ ने सहायता की तो यह कन्वेक्शन सेंटर शीघ्र ही स्थापित होगा। पूर्व विदर्भ के साथ मेलघाट के आदिवासी हिस्से में बनने वाले शहद सहित अन्य उत्पादनों का निर्यात मूल्य पहचान कर उनका निर्यात प्रस्ताव भी प्रस्तुत करे। तब पर एकर फ्रूट्स मधे वेजिटेबल मधे दुधाचा याचात फिशिंग मधे जी जी आपली स्ट्रेंथ है त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये क्वालिटी गुणात्मकरित्या उत्तम प्रोडक्शन झालं पाहिजे। उत्तम प्रोडक्शन झाल्यानंतर त्याचं सगळं प्रोसेसिंग अँड पॅकेजिंग झालं पाहिजे। जसा उल्लेख आता चेअरमन साहेब करत होते ॲपेडाचे की प्रोसेसिंग याच्यामध्ये पण खूप मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्री आहेत, प्रीकूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, आणि त्याच्यामार्फत आपल्याला आपलं एक्सपोर्ट करायचं आहे। पण हे काम करण्याकरता आपल्या सगळ्यांचं प्रशिक्षण होण्याची गरज आहे। विशेषतः मी 2-4 दिवसापूर्वी नाशिकमध्ये होतो आणि नाशिकमध्ये मला लक्षात आलं की तिथून खूप मोठ्या प्रमाणावर एक्सपोर्ट आहे। म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातला एक्सपोर्ट जेवढा आहे तो विदर्भात जेवढा एक्सपोर्ट होतो त्याच्या 50 पट एकटा नाशिक जिल्हा एक्सपोर्ट करतो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।